अस्सलामुअलैकुम। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 8 जा रहा है, जिसमें हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है हमारे पास, वो ऑपरेटर्स है जो एक एक बिट पर, जैसे नाम से जाहिर है बिटवाइज, तो ये बाइनरी बिट्स जो होती है वन और ज़ीरोज़, उन पर ही वर्क करते हैं। ठीक है, अब आपको इतना तो पता ही होगा, आपने लॉजिकल गेट्स के बारे में पढ़ा होगा। एंड गेट होता है, और गेट होता है, एक्सओआर होता है, नैंड होता है, नॉट गेट होता है। तो ये हमारे पास वो जो गेट्स होती है, वो गेट्स हमारे पास उनकी इनपुट्स जो होती है, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, या फिर हम उनको वन और ज़ीरो भी कहते हैं। ट्रू को हम वन कहते हैं और फॉल्स को ज़ीरो कहते हैं। और उनका जो रिज़ल्ट आता है वो भी हमारे पास या तो वन आता है या फिर ज़ीरो आता है, मतलब कि या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। तो चलिए हम देखते हैं एंड को पहले। तो एंड को पहले मैं आपको एंड का जो गेट है वो समझा देता हूँ। तो एंड गेट जो है, वो उसका जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ ऐसा होता है कि जब तक हमारे पास दोनों ही इनपुट्स वन नहीं होते, तो हमारे पास ओवरऑल रिज़ल्ट वन नहीं होता। अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स वन हो, तो जो रिज़ल्ट होता है या जो आउटपुट होती है वो हमारे पास वन होती है। इसके अलावा तमाम जो केसेस है उसके अंदर हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो ही आ रही है। अगर एक ज़ीरो है और एक वन है तो फिर भी आउटपुट ज़ीरो है। अगर पहली इनपुट वन है और अगली ज़ीरो है तो फिर भी आउटपुट हमारे पास ज़ीरो आ रही है। और जब दोनों वन है, दोनों इनपुट्स, तो हमारे पास रिज़ल्ट, फिर ही हमारे पास रिज़ल्ट जो है, इनपुट जो आउटपुट है वो ट्रू आ रही है या फिर वन आ रही है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अब हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं और इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एंड का सिंबल है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का एक्स। उसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, लेट्स से 20। और मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ वाई के नाम से, और उसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ 100। और मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जेड, जिसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, एक्स और वाई का एंड, बिटवाइज एंड ऑपरेटर इन दोनों पर अप्लाई करके। ठीक है, और जो रिज़ल्ट आएगा वो जेड में स्टोर कर दूंगा, और ये जो हमारे पास मैसेज है हेलो वर्ल्ड का, इसकी जगह पर मैं जेड की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अगर हम 20 और 100 का बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करें और रिज़ल्ट चेक करें, तो हम देख सकते हैं हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 4। ठीक है, और ये 4 में कैसे कन्वर्ट हो गया, जेड की वैल्यू 4 कैसे बन गई, ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो चले वर्ड फाइल पर, यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं 100 की भी बाइनरी मौजूद है और 20 की भी बाइनरी। और इतना मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि आपको डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन यहाँ तक आती होगी। ठीक है, तो चले हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ एंड ऑपरेटर जो है हम अप्लाई करेंगे। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, हमने अभी समझा है कि दोनों ही इनपुट्स अगर वन हो तो तभी हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो वन आता है। तो इस केस में अगर आप देखें तो पहले जो तकरीबन 8 बिट्स है वो हमारे पास ज़ीरो ही आती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1, 2, 3, 4 और इसको भी अगले जो 4 बिट्स है उनको भी मैं आपको, आप देख सकते हैं कि 4 ज़ीरोज़ है, तो ये भी ज़ीरो हो गए। अगले जो 4 बिट्स है उनके अंदर पहला ज़ीरो है, अगला एक वन है और एक ज़ीरो है, तो फिर भी रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। एक वन है और एक ज़ीरो है, फिर भी ज़ीरो आएगा। एक वन है और एक ज़ीरो है, फिर भी रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। अगले 4 बिट्स में दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो ही आएगा, दोनों वन है तो ही रिज़ल्ट वन आएगा, और आगे दोनों ज़ीरो ज़ीरो ही है तो ये ज़ीरो ज़ीरोज आ गए। अब अगर इसको हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें इसको, तो ये हमारे पास बनता है 4। और 4 कैसे बनता है वो भी मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से बता देता हूँ। यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल जाना है हमने, तो बाइनरी में यहाँ ये जो कोड है, सॉरी वर्ड फाइल, ये जो कोड है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करके यहाँ पर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं डेसिमल में हमारे पास 4 बन जाता है, और हमारे पास यहाँ आउटपुट भी 4 ही आ रही थी एंड ऑपरेटर की। ठीक है, अब मैं जो एंड ऑपरेटर है उसको मैंने कवर कर लिया है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि दोनों ही अगर इनपुट्स हमारे पास दोनों ही इनपुट्स वन हो तो तभी हमारे पास आउटपुट आती है, अदरवाइज़ हमारे पास जो आउटपुट आती है वो फॉल्स आती है या फिर ज़ीरो ही आती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास एंड और ऑपरेटर है। तो और ऑपरेटर जो है हमारे पास
और ऑपरेटर हमारे पास जो उसका ट्रू टेबल है वो कुछ ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई एक भी इनपुट वन है तो रिज़ल्ट हमारे पास वन हो जाता है। जैसे इस केस में ये जो सेकंड वाला केस है इसमें सेकंड वाला वन है तो हमारे पास रिज़ल्ट वन आ रहा है, और जो थर्ड वाला केस है उसमें हमारे पास पहला वाला जो इनपुट है वो वन है, अगला बेशक ज़ीरो हो तो हमारे पास रिज़ल्ट वन आ जाता है, और फोर्थ जो केस है उसके अंदर तो हमारे पास दोनों ही इनपुट्स वन है। ये सिर्फ दो इनपुट्स के लिए काम नहीं करते ये गेट्स, ये मल्टीपल इनपुट्स के लिए भी काम करते हैं। ये आप तीन ऑपरेटर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तीन ऑपरेंड्स पर, चार ऑपरेंड्स पर, पांच ऑपरेंड्स पर, जितने आप कर सकते हैं। इस वक्त सिर्फ मैं आपको दो पे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप बेसिक समझ जाए कि इसकी वर्किंग कैसी है। तो ये जो और ऑपरेटर है ये भी हमारे पास कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और गेट की जो फंक्शनलिटी है वो भी यही है कि अगर कोई एक भी इनपुट हमारे पास वन आ जाती है तो हमारे पास ओवरऑल रिज़ल्ट वन हो जाता है या फिर ट्रू हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम वापस जाते हैं अपने कोड ब्लॉक्स पर और यहाँ से ये जो एंड है इसको मैं रिप्लेस कर दूँ और से, ये सिंपल जो एक लाइन होती है पाइपलाइन वर्टिकल लाइन जो एंटर के साथ जो की होती है उसके साथ आ जाता है। तो अगर हम इसको अब रन करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 116 या फिर हम 116 कह सकते हैं, ठीक है। तो 116 कैसे आया ये हम जाके अपने वर्ड फाइल में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ तो अब ये जो नीचे एक आउटपुट आया था हमारा एंड का, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसको हम देख लेते हैं ये हमारे पास ये और ऑपरेटर क्या काम करता है और गेट कैसे काम करता है, कि अगर कोई एक भी आंसर हमारे पास, कोई एक भी इनपुट हमारे पास वन हो तो आउटपुट वन आती है। तो ये जो पहले चार है ये तो ज़ीरोज ही आएंगे, अगले चार भी ज़ीरोज ही आएंगे, अब अगला जो एक है वो ज़ीरो आएगा, फिर उससे नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास वन आएगा। क्यों? क्योंकि एक वन है और एक ज़ीरो है तो रिज़ल्ट हमारे पास वन आएगा। उससे अगला भी हमारे पास वन आएगा, उससे अगला भी हमारे पास वन आएगा, और फिर हम जाएंगे अगले चार पर, उसका जो पहला बिट है वो ज़ीरो हो जाता है और अगले दोनों ही वन है तो ये वन हो जाएगा और फिर अगले दोनों ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ यहाँ से उठा के यहाँ पर इस बाइनरी की जगह पर पेस्ट कर दूँ और कन्वर्ट कर दूँ, तो अभी आप मैं इसको पहले रिफ़्रेश कर लेता हूँ। इसको मैंने पेस्ट किया, इसको कन्वर्ट किया, आई डोंट नो ये क्यों कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको, हाँ अब अगर मैं पेस्ट करूँ और कन्वर्ट करूँ तो ये कन्वर्ट करना चाहिए लेकिन ये क्यों नहीं कन्वर्ट कर, अच्छा सॉरी यहाँ पर स्पेस भी है ना इस वजह से। अब मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये 1116 यहाँ पर स्पेस ऐड थी तो इस वजह से वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, तो वो स्पेस मैंने हटा दी। यहाँ पर ये देखें हमारे पास 116 आउटपुट आ रही है और हमारे पास यहाँ पर भी कोड ब्लॉक्स के अंदर भी आंसर वही 116 आ रहा था, ठीक है। तो ये और का जो है हमारे पास ऑपरेटर था। अब हम बिट वाइज और या एक्स और या फिर जो हम उसको एक्स और भी कह सकते हैं, तो एक्स और जो ऑपरेटर है वो कैसे वर्क करता है उसका जो है ट्रुथ टेबल मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो एक्स और का ट्रुथ टेबल हमारे पास ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स वाला है तो इसी आर से मैं आपको समझा देता हूँ एक्स और का टेबल भी, ठीक है। तो एक्स और का टेबल क्या कहता है कि एक्स और का टेबल कहता है कि हमारे पास आउटपुट वन तभी आएगी जब हमारे पास इनपुट्स डिफरेंट हो, अगर हमारे पास जो इनपुट्स है वो दोनों ही डिफरेंट हो तो हमारे पास आउटपुट वन आएगी, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये टेबल बना लिया, ये है एक्स और का टेबल। तो कैसे बन गया ये, अब हमारे पास ये देखो ये दोनों इनपुट्स सेम है, दोनों ज़ीरोज़ है तो आउटपुट हमारे पास ज़ीरो आएगी, अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट है मतलब एक वन है और एक ज़ीरो है तो हमारे पास आउटपुट आएगी वन। इस केस में भी हमारे पास एक वन है और एक ज़ीरो है तो इस केस में भी हमारे पास आउटपुट आएगी वन, और जो लास्ट वाला केस है इसमें दोनों इनपुट्स हमारे पास सेम है चाहे दोनों वन ही क्यों ना हो तो ओवरऑल रिज़ल्ट हमारे पास आएगा ज़ीरो, क्योंकि ये एक्सॉर है और गेट नहीं है, ये एक्सॉर गेट है, ठीक है। तो ये सिंपल इसकी फंक्शनलिटी थी। अब मैं आपको कोड ब्लॉक्स पर इसको रन करके बता देता हूँ 20 और 100 का एक्सॉर, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है 112 या फिर 112 भी हम कह सकते हैं। तो 112 कैसे आया ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं दोबारा हटा देता हूँ। अब हम जो पहले आठ ज़ीरोज़ है वो तो एज इट इज़ ही आएंगे, ठीक है।
अब अगला जो है वो ज़ीरो आएगा, उससे नेक्स्ट वाला जो है वो वन आएगा। ये और होने की बिना पर नहीं है, ये एक्सऑर है। एक्सऑर में क्या होता है कि दोनों ही अगर डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है तो तब ही रिज़ल्ट वन आएगा। उससे अगला भी वन आएगा, उससे अगला भी वन आएगा, फिर ज़ीरो आएगा, फिर भी ज़ीरो आएगा। क्यों? दोनों दोनों बेशक वन ही क्यों नहीं है, दोनों वन है लेकिन फिर भी रिज़ल्ट ज़ीरो आया। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एक्सऑर है। और फिर अगले दोनों भी सेम है, अगले दोनों भी सेम है, तो फिर ये ज़ीरो ज़ीरो ही आएंगे। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट करके मैं आपको मेक श्योर यहाँ पर ये जो स्पेस है इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 112 या 112 हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास जो बिट वाइज एंड और एक्सऑर थे वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जाते हैं शिफ्टिंग की तरफ। तो शिफ्टिंग हमारे पास क्या होती है, अब मैं एक जो ऑपरेटर है इसको, जो एक वेरिएबल था उसको रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पर वाई ही रहने देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो शिफ्टिंग होती है हम एक नंबर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, अगर ये हमारे पास 100 है, लेट से वाई के अंदर 100 है, और एक और वेरिएबल मैं बना देता हूँ जेड, उसके अंदर मैं अगर कहता हूँ कि वाई की राइट शिफ्टिंग करो 2 बिट्स, तो इसका क्या मतलब है कि 100 की जो बाइनरी है वो 2 बिट्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और मैं यहाँ पर जेड जो रिज़ल्ट है उसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, तो ये आता है हमारे पास 25। ठीक है, और मैं आपको ये भी ट्रिक बताता हूँ कि ये 25 कैसे आता है और आपको कैसे पता चलेगा कि इसका जो शिफ्टिंग के बाद आंसर आता है वो क्या आता है। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि शिफ्टिंग कैसे होती है। ये राइट शिफ्ट लिखा हुआ है, इस एरो का मतलब है कि राइट शिफ्ट कर दो 2 बिट्स, किसकी? वाई की। तो वाई जो है वो 100 है, इसको पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, जो बाइनरी आएगी उसमें दो जो जो उसकी बाइनरी है वो 2 शिफ्ट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब जो राइट मोस्ट 2 बिट्स होंगे वो गायब हो जाएंगे और लेफ्ट साइड से 2 ज़ीरोस उसमें ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ सर ये हमारे पास ये है 100 की बाइनरी। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ, उन्होंने कहा है कि 2 बिट्स शिफ्ट कर दो इसको राइट की तरफ, तो इसको कॉपी करके यहीं पर आप पेस्ट कर दे बेशक। ठीक है, आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे, लेकिन क्या करें कि ये जो 2 बिट्स है ये आप यहाँ से गायब कर दें। ठीक है, ये 2 बिट्स गायब हो गई, आप इसको रिमूव कर लें, इसको मैंने रिमूव कर दिया और इस साइड से मैं क्या करूँगा 2 बिट्स इंसर्ट करूँगा और मैं क्या करूँगा 4 4 बिट्स दोबारा एक साथ मिला देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो। ये 4 बिट्स और एक ज़ीरो हो गया और इसको भी मैं यहाँ पर ऐसे मिला देता हूँ 4 बिट्स और ये भी अगले दोनों 4 बिट्स। ठीक है, तो ये जो फाइनल हमारे पास आउटपुट आई है ये हमारे पास शिफ्टिंग के बाद की आउटपुट है। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, सॉरी इधर से कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ और कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 25 जो कि हमारे पास आउटपुट उधर कोड ब्लॉक्स में भी आई थी। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी हम राइट करते हैं ना राइट शिफ्टिंग, तो ये उस नंबर को जिसकी बिट्स हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको उतने नंबर ऑफ बिट्स से या उतने नंबर से 2 की पावर में, ये जो 2 है ना इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे कैसे 2 की पावर 2 करके, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 4। तो ये जो 100 है इसको 4 से डिवाइड कर देगा। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो ये क्या कर देगा, ये 100 को 8 से डिवाइड करेगा। 8 से क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 करने से 8 बन जाता है, तो 100 को ये 8 से डिवाइड कर देगा। बस सिंपल आपने ये आंसर रख लेना है, जहन में रखना है। तो 100 को अगर आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, पहले इधर से ही आप बेशक डिवाइड कर ले तो हमारे पास 12 आता है। ठीक है, क्योंकि 12 और 96 आंसर आता है और डिवाइड में भी हमारे पास जो इधर की डिवीज़न होती है C++ में उसमें भी यही आता है। अब जो लेफ़्ट शिफ्टिंग है, लेफ़्ट शिफ्टिंग में क्या होता है, लेफ़्ट शिफ्टिंग में हमारे पास जितने बिट्स हम कहते हैं तो वो 2 की पावर में चले जाते हैं, तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 हो जाता है और उतने नंबर से जो नंबर आया है हमारे पास उस नंबर से 100 को या जो भी वाई की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस वक्त इसका आंसर क्या आएगा, ये 800 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 करने से 8 आया और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 800 आएगा आंसर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट है वो भी हमारे पास 800 आ गई है। अब मैं आपको और नंबर से भी शिफ्टिंग बता सकता हूँ, या सिलेक्ट से मैं कह देता हूँ 20
और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 120 आ जाता है, तो ये आपको 160 आ जाता है। आप मल्टीप्लाई करें तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 160, और ये भी वही काम कर रहा है। तो अगर आप बिट वाइज राइट शिफ्ट करते हैं तो उसका मतलब है 2 की पावर, और जो बिट्स है 2 की पावर वो बिट्स उतने उस नंबर पे नंबर को डिवाइड किया जाता है जिस नंबर पे भी हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। और अगर आप लेफ्ट शिफ्टिंग और बिट्स बताते हैं तो 2 की पावर 3 या 2 की पावर 2 जितने भी बिट्स आप बताते हैं तो उसी नंबर से जिस नंबर की शिफ्टिंग कर रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये शिफ्टिंग भी आपको समझ आ गई है। एक जो ऑपरेटर हमारे पास रह गया बिट वाइज नॉट, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ये आपको तकरीबन 10-15 मिनट मजीद लेगा, तो वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर अलग से बात कर लेंगे, ठीक है? तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।